यो अलिकति चामल चामल लाउँछु नि मिलाएर दिन्छु अ मिलाएर दिदेछु ए देखि अलिकति दिदेछु ये मामी वीडियो ऑफिस से लिंक करे आसी बोलो कोई नंबर है मेन गेट कोला ना भीतर कोला आमी बोलम काको आमी भीतर लिंक करे आसी हां ताले एखन आसी साला हमर आधार कार्ड लिंक नहीं बोली ताले हमरा की करबो आप हमरा डेली आप इसके पहले राशन उठा चुके हैं नहीं उठाए हैं अभी तक नहीं उठाए राशन बना है कार्ड बना है तब से अभी तक नहीं उठाए हैं नहीं उठाए हैं मिलता तो इसी में हम लोग को कहीं नहीं मिलेगा बगान में भी नहीं दे रहा हम लोग का जादू वित्ता हम लोग का कंट्रोल है देखिए गवर्नमेंट का एक बनाया हुआ नियम है ये आधार कार्ड का लिंक अप करके राशन मिलने का तो इसके लिए आप लोग उनसे कुछ और भी पूछिए वीडियो ऑफिस में जाके सर कल की व्यवस्था कई बार जाएंगे बोलिए ना कई बार जाएंगे हम लोग रोज कमाने रोज खाने वाला आदमी है हाँ एक दिन को लिए हम लोग चला जाएंगे बच्चा लोग क्या खाएगा तो आज में भी हम राशन मिलेगा बोल के साला धूप में खड़ा हो के लाइन लगा अभी बोल रहा है कि लिंक नहीं हुआ है क्या नाम है आपका मेरा कंचन रॉय आपका यहीं के निवासी है हाँ यही क्या है क्या नाम है इस जगह का हाँ ये इठो है आपको जादू बिता और कितने दिनों से ये समस्या हो रहा है ये समस्या हम 3 सप्ताह हो गए देखिए मेरा नाम स्वाधीन गुरुंग है मैं गुलमा निवासी हूँ और मैं बगान में वर्कर हूँ तो मुझको राशन यहाँ से नहीं दिया जा रहा मेरा राशन कार्ड ऑलरेडी है फिर भी मेरे को राशन नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरा आधार लिंक नहीं हुआ है बोलकर आधार लिंक करने के लिए लोग पत्रघटा पंचायत पंचायत में भेजा तो वहाँ जाके वहाँ पर भी करवाया वहाँ बोलता है हो गया बोल के यहाँ आके करता है नहीं हुआ फिर उसके बाद मेरे को बीडीओ ऑफिस भेजा है बीडीओ ऑफिस में जाके करवाया यहाँ पर हो गया बोल के बोला तो यहाँ आता हूँ तो राशन यहाँ पर तो लिंक नहीं होता है लिंक नहीं होता है उसके लिए हम लोग क्या करेगा पहले कहाँ से राशन उठाते थे हम लोग तो बगान से ही राशन उठाते थे ये लोग क्या किया बगान का राशन का वो अलग डीलर था और यहाँ बस्ती का अलग डीलर था ये लोग एक ही जगह मिला दिया है कौन ये जगह है ये जादू बिटा है पहले कौन डीलर था रामकृष्ण घोष था वहाँ का डीलर बगान का डीलर तो बगान का डीलर का छीन के ये लोग एक ही जगह राशन कर दिया है तो अभी इतना भीड़ होता है राशन कार्ड में राशन का उस गोदाम में राशन लेने के लिए तो आदमी को परेशानी आदमी सब नागा कर करके फिंगरप्रिंट करने जा रहा है तो भी राशन उठा नहीं पा रहा है तो वो लोग का राशन का क्या कर रहा है लोग ना आज जनता को राशन दिया जा रहा है ना जनता को राशन मिल रहा है आदमी सब काम नागा कर करके फिंगरप्रिंट करने जा रहा है तो हाट में जो आटा लिए हैं क्या दिक्कत है उसमें ये आटा में बालू पूरा मिसा हुआ है मैं रोटी भी लेके आया हूँ रोटी भी देखिए इसमें पूरा मिक्स है बालू पूरा मिक्स है इसको ये लोग को खाना पड़ेगा ठीक है ये पूरा बालू बालू है यहाँ का ये रोटी मैं लेके आया हूँ ये रोटी खाने लायक नहीं है पूरा बालू है ठीक है तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा गांव का बगान का नेता साहब तो कुछ बोल भी नहीं कर रहा है बुलाया था लेकिन वो लोग भाग रहा है तो भागने से समस्या नहीं होगा समस्या का समाधान तो नहीं होगा लेबर के लिए तो वो लोग बना है नेता बना है तो लेबर के लिए बोलना चाहिए ना वो लोग का राशन मिल रहा है तो उसके बाद ये दूसरा का नहीं मिलेगा वो तो नहीं होगा ना इसलिए हम चाहता है कि इसका विषय लेके ऊपर तक जाए ये बात तो ये काम सक्सेस करके लाइए यहाँ पर फिर देखिए तो कैसा क्या खाता है कब से ऐसा खाता है कैसे आपसे कब से ऐसा मिल रहा है आटा ये 2 हफ्ता ये हफ्ता से ये हफ्ता लगा के 2 हफ्ता हो गया देखिए ये देखिए इसका वो शनिवार का ये आटा है देखिए तो यहाँ का डीलर कौन है ये डीलर क्या कौन है नाम क्या है डीलर को डीलर का नाम से सुदन भाई क्या नाम है यहाँ का डीलर का हाँ दीपेश चंद्र रॉय दीपेश चंद्र रॉय देखिए ऐसा आटा खाता है कौन सा जगह है वो बताइए ये जादू बिट्टा मिलन पर जादू बिट्टा पहले कहाँ से लेते थे आप लोग आटा मैं भी एक बगान का था मेरा भी घर बगान में थी मैं बगान को वर्कर हूँ पीटर लाइन में तो अभी मैं यहाँ सिसोडा का निवासी हो गया हूँ अभी मैं यहाँ पर आई हूँ 14 साल हो गया हूँ बगान से राशन लेती थी अब यहाँ पर आई हूँ यहाँ पर राशन देता है तो हम लोग का तकलीफ भी हो रहा है पहले कैसा मिलता था आटा पहले अच्छा मिलता था बगान में देता था अच्छा मिलता था लेकिन अभी देखिए अभी यहाँ पर देखिए राशन कैसा दे रहा है हम लोग क्या है आदमी है ना या कुत्ता है कुत्ता को भी ऐसे नहीं देता है लेकिन हम लोग को तो कुत्ता से भी बेहतर कर रहे हैं यहाँ पर हाँ वोट लेने के लिए भीड़ी ऐसा देंगे वैसा करेंगे जब वोट मिल गया ऐसा करेंगे जनता का
ये आटा खा के तो हम लोग कितना दिन बाँचेंगे, हम लोग का बच्चा लोग कितना दिन बाँचेगा। हाँ ये तो सब तो बालू बालू है ना। हाँ ये जाके पेट में मिशन जैसा होगा वो पहलेगा ये आटा, तो जाके सरकार को देखा दीजिए। क्या नाम है आपका? मोदी को भी देखा दीजिए, ममता दीदी को भी देखा दीजिए। क्या नाम हुआ, क्या नाम हुआ आपका? तापस नाम है। क्या इनकी समस्या है? इनकी जो समस्या है आधा लिंक किया हुआ है लेकिन हम लोगों के मशीन में नहीं दिखा रहा है, लिंक नहीं दिखा रहा है, इसीलिए झमेला हो रहा है राशन लेने में। अभी इनका जो झमेला हो रहा है उसको लिए उनको वीडियो ऑफिस जाना पड़ेगा। ऑफिस ऑफिस से वही बोला है हम लोग को, वीडियो ऑफिस तो ये लोग बोल रहा है कि हम गए थे वहाँ भी अंगूठा का निशान दिए हैं। लेकिन जब तक हम लोग के मशीन में नहीं दिखाएगा कि आधा लिंक किया हुआ है तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये कैसे पता चलेगा कि उसमें हो गया कि नहीं हो गया? ये लोग बोल रहा है कि हम लोग के मशीन में ऑफिस में कि आधा लिंक किया हुआ है तब हम लोग माल दे पाएंगे। तो उसके लिए कुछ व्यवस्था तो करना चाहिए ना आप लोगों को, जब जिम्मेवारी लिया है तो आप लोगों को व्यवस्था करना चाहिए ना। राशन नहीं मिल रहा है, अब कार्ड हमारा राशन तो लेके आया है ना आप लोग, कार्ड दिया हुआ है तो कार्ड दिया हुआ है तो सरकार से राशन आप उठाया है। तक आधार लिंक नहीं होगा तब तक माल भी नहीं आएगा आप लोग, वही तो बात बोल रहा हूँ। तो ये आधार लिंक करने के लिए कोई कार्ड का नंबर व्यवस्था है आपके यहाँ देना चाहिए ना? मेरा वीडियो ऑफिस में ये लोग बोल रहा है कि हम गए थे लेकिन वहाँ नहीं हो पाया, जो वहाँ कर दिया। जो उनका समस्या है वो हम लोग वो समस्या समाधान नहीं कर पाएंगे। और रोटी को लेकर ये है कि आटा में ये आटा में बालू मिला, वो तो हम लोग घर से नहीं लाते हैं ना। हाँ अब आटा चावल हम लोग घर से तो नहीं लाते ना, वो जो ऊपर से देता है वो ही लाते हैं हम लोग। क्या है आप लोगों का राशन नहीं मिल रहा है? अच्छा अच्छा, राशन वाकई में नहीं मिल रहा है? ये कितने दिनों से नहीं मिल रहा है आप लोगों को? क्या नाम है आपका और आप लोगों को क्या कहना है इस विषय में? आप लोगों को क्या कहना है इस विषय में? इसको लेकर यहाँ पूरा तनाव का माहौल बना हुआ है। राशन कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिला है, कुछ लोगों को बोल रहे हैं कि ये लिंक करवाए हुए हैं और कुछ लोगों का लिंक नहीं हुआ है। और आटा मिला है तो देखिए आटा में आपको बलुआ मिला हुआ है, ये लोग रोटी भी साथ में लेके आए हैं और आटा बलुआ मिला हुआ इनको मिला है, ये लोग बोल रहे हैं हम लोग कुत्ता थोड़े हैं कि खाएंगे। इसी को लेकर ये ज्यादा बेटा राशन की दुकान में तनाव का माहौल बना हुआ है। अब पूरा गुलमा बगान के जो भी लेबर मजदूर हैं यहाँ पे डटे हुए हैं। जैसे कि जिसका जिसका लिंक हो जा रहा है उसको राशन दीजिए एक है, और दूसरा जिसका जिसका नहीं जो हो रहा है उसका एक तो लिस्ट में लिखिए और उसको भी राशन दिया जाए। वो राशन भी वो लोग को नहीं मिल रहा है और जहाँ तक हो सके वो लोग का समाधान निचोड़ निकालिए कि उसको कैसे किया जाए, किसका किसका कार्ड खराब है। गवर्नमेंट के भी गवर्नमेंट का भी कुछ वसूल है, उसी वसूल पे वो शायद वो लोग भी चलते हों। वो चीज़ भी वो लोग से पूछा जाएगा कि हाँ। वो लोग का क्या प्रोसेस है। पहले सब बिना कार्ड का भी मिलता था आपको? जी हाँ, क्योंकि बगान का और पंचायत का भी मिक्स हो गया है, इसीलिए आदमी को बहुत असुविधा से अभी गुजरना पड़ रहा है क्योंकि आधा को मिल रहा है राशन, आधा को नहीं मिल रहा है। तो इसको लेकर आप लोग पंचायत से संपर्क किए थे? जी किए थे। पंचायत क्या बोले? जी जी देखिए, जैसे हम लोग का वहाँ टी गार्डन में देने से हम लोग वहाँ का पंचायत को करते हैं, तो सिसोडांगी एरिया हो गया, यहाँ का पंचायत को यहाँ आना चाहिए। तो आप लोग उनसे संपर्क किए? उससे संपर्क किए लेकिन वो अपने ड्यूटी में ऐसा हो रहा है। हम लोग क्या समस्या है? हम लोग का समस्या यही है कि हम लोग यहाँ पर आते हैं, फिंगर करते हैं, फिर यहाँ से वापस बुला जाता है हम लोग को वीडियो ऑफिस में। वीडियो ऑफिस में बुलाने के बाद में फिर वहाँ पर फिंगर हो जाता है, लिंक हो जाता है, हो जाने के बाद में फिर यहाँ पर आते हैं तो फिर यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। तो इतना छोटा छोटा बच्चा लोग को देखिए कितना भीड़ भरा है, तो सबको लेकर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। कितना ऊपर से देखिए जो आटा भी खराब, ऊपर से देखिए जो रोटी पकाए हैं एक का बालू बालू बताइए। ये रोटी रोटी में बालू है ये। और मेरा भी जितना कार्ड वोट लेके गए थे वो कार्ड में देखिए मेरा सब कुछ ओके है, फिर भी वहाँ से कैंसिल किया गया। स्लिप यहाँ से मिलता है हम लोग,
और यहाँ से राशन भी नहीं मिलता है और उसके बाद में कैंसिल किया जाता है कार्ड, बताइए ऐसा में हम लोग कैसे दें। तो आप बगान में पहले आप लोगों को मिलता था? जी हाँ, बराबर मिलता था, उसका कार्ड भी है मेरे पास में। अब क्या हुआ ये जब मेरे पास कार्ड भी है? अब जो बोलता है कि आपका कैंसिल हो गया, आपका नहीं बनेगा कार्ड, कार्ड भी नहीं बनेगा, राशन भी नहीं मिलेगा, तो हम लोग जिए कैसे बताएं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मंजित सुरेंद्र है भैया। ये लोग का डीलर का नहीं पाएंगे? हाँ नहीं आपको मिलता है तो फिर क्या आगे क्या करें? तो हम लोग सोचा है कि इसके लिए अगर हम लोग का राशन अगर नहीं मिलता है तो हम लोग सब राशन कार्ड जिस किसका राशन कार्ड नहीं बना है या बना है जो चिट्ठा दिया है वो सब राशन कार्ड ले जाके हम लोग फूड सप्लाई ऑफिसर को जिम्मा देंगे, ये सोचा है हम लोग। पूरा फूड सप्लाई ऑफिसर को घेराव करेंगे हम लोग, ये सोचा है। क्या नाम है आपका? भूपिंद्वार। क्या समस्या है? यहाँ पर लिंक किया, यहाँ से वीडियो ऑफिस भेज दिया, वहाँ गया वहाँ पर हो गया बोला, फिर कल में यहाँ पर राशन जोखने किया तो यहाँ बोला कि नहीं होगा, जाओ बस्ती जाओ डीलर मोड़। अब आज क्या होगा? तीन चार दिन से हम लोग दौड़ता है, क्या फिंगर नहीं होने से हम लोग को चावल नहीं मिलेगा? इसके लिए कुछ विचार तो होना चाहिए। पहले मिलता था चावल गेहूँ? हाँ पूर्ण कार्ड से देता था। कहाँ से कहाँ से मिलता था? यहाँ पर और बगान इसी राशन को देता है वहाँ पर, लेकिन अभी ऐसा फिंगर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बोलकर राशन नहीं मिलता। तो इसके लिए आप प्रयास किए फिंगर लगाने के लिए? तो आज यहाँ पर बुलाया है, आज क्या होगा, अगर नहीं होगा तो क्या करने होगा? कब से लाइन में लगी है? कब से आई है यहाँ? अभी दो तीन महीना हो गया। ये चावल दोनों मिलाया हुआ है? चावल चावल ना पता नहीं, चावल तो उसी नहीं है, उसमें देना।